जैन फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। तो यार, हमें ये करंट अफेयर की सीरीज चलाई हुई है। आपको पता है कि डेली करंट अफेयर में डिस्कस करता हूँ अपने अन अकेडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। रोज सुबह 8:30 बजे ये डेली करंट अफेयर्स आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी वहाँ पे पढ़ाता हूँ उसकी समरी मैं कोशिश करता हूँ कि वीकेंड में दे सकूँ। ये जून के लास्ट वीक की समरी है। थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। दो समरी ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ पहले। दिस इज थर्ड पार्ट 3 ऑफ जून। तो इन 3 वीडियोस के बाद, 20-20, 22-22 मिनट की वीडियोस हैं, इन 3 वीडियोस के बाद आपका जून का करंट अफेयर कंप्लीट है। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीट एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट, एसएससी के एग्जाम, आरआरबी के एग्जाम, कोई भी एग्जाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर सेम होते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, नोट्स बनाने की कोशिश करना, पीडीएफ से पढ़ना चाहो पीडीएफ से पढ़ो। लेकिन ये पूरा जो मैं एनालिसिस करता हूँ ना, रोज सुबह 8:30 बजे अपनी क्लास होती है, उसकी समरी है। मतलब एक तरह से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है? तो ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। ये यार अपनी करंट अफेयर की वीडियो है, इसका अन अकेडमी वॉरियर्स की इन वीडियोस का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। वहां से आप रोज सुबह 8:30 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं एंड डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लर्न विद सुमित को सब्सक्राइब करो यार, बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। हाँ देखो, ये तो हो गए डेली करंट अफेयर। जो पुराने करंट अफेयर्स हैं उनका क्या, तो मैंने जुलाई 2019 से लेके जून 2019 तक का करंट अफेयर की पूरी सीरीज कराने का ठेका उठाया है। तो उसकी भी ऑलरेडी काफी पार्ट्स निकल चुके हैं, शायद 13-14 पार्ट्स में निकाल चुका हूँ। और भी पार्ट्स आते रहेंगे, वहां से आपका पुराना करंट अफेयर भी पूरा हो जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो जुलाई अगस्त में है, तो करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन मैंने लर्न विद सुमित को बना दिया है, ठीक है? एंड जब वन स्टॉप सोल्यूशन की बात हो रही है, तो आपको पता ही होगा कि लर्न विद सुमित अपने आप में एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन चुका है। यहाँ पे फिजिक्स की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, पॉलिटी की स्टार्ट हो रही है, इंग्लिश की भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जीएस की चल रही थी, बहुत ही जल्दी मैथ, बायो एंड केमिस्ट्री की भी स्टार्ट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब। चलिए इसके अलावा, हाँ यार, जीएससी क्लासेस जो अपने बैच कोर्सेज थे अनअकैडमी पे, उसमें जीएससी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, लर्न उस अपने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो आप जाके सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है? सुमित कुमार 9 मेरा कोड है, वो यूज़ करना, 10% का डिस्काउंट पा लो। बहुत ही मज़ेदार क्लासेज यहाँ पे चल रही है, बहुत बच्चा लाइव होता है, आप भी आके मज़े से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता हो क्वेश्चन इससे किस हिसाब से आ सकता है। देखो, पीएम केयर फंड को लेकर ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठते रहे हैं। क्यों उठते रहे हैं कि आप सबको पता है, जब अपना कोरोना वाली सिचुएशन आई तब एक और फंड बनाया गया था पीएम केयर फंड। इसमें आप में और आपने बहुत पैसे डाले होंगे, सब ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे पैसे डाले। तो यार, बींग डोनर या फिर जो भी रिस्पेक्टिव या फिर एक सिटीजन, सिर्फ एक नॉर्मल सिटीजन होने के नाते, चाहे मैंने पैसे डाले हो चाहे ना डाले हो, मुझे पूरा अधिकार है कि पीएम केयर फंड में जिसमें जनता का पैसा गया है उसको यूज कैसे गया है। तो इसके लिए किसी बंदे ने आरटीआई लगाई कि यार क्या ये पीएम केयर फंड को पैसा कहाँ यूज करा गया, आप बताओ हमें, ठीक है? तो रिप्लाई आया है कि ये पीएम केयर फंड आरटीआई के अंदर नहीं आता है। तो काइंड ऑफ इसमें पेपर से क्वेश्चन कैसे बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज कम अंडर आरटीआई, तो 5-6 चीजें दे देगा, उसमें से एक चीज पीएम केयर फंड अगर आए तो यार ये आरटीआई के अंदर नहीं आता है। तो इसको लेके काफी थोड़ी सी निंदा हुई गवर्नमेंट की कि यार मतलब ये गलत है, ठीक है? एज जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने पैसा मांगा है जनता से, जनता ने दिया है बढ़ चढ़ के, तो जनता को जवाब भी मिलना चाहिए कि उस पैसे कहाँ पे यूज हो रहा है। ऐसे इस टाइप की एक्टिविटीज ना डीमोटिवेट करती है लोगों को किसी भी टाइप की हेल्प करने से। चलिए ठीक है, पैसा आपको बता दूं, मैंने कोई नहीं दिया, एक पैसा भी नहीं दिया था पीएम केयर फंड में, बिकॉज मुझे अंदाजा था इस टाइप की चीजें। मैं इसके बदले अपने जो यहाँ पे लोकल आसपास, अगर आप अपनी नजरें उठाओगे आसपास देखोगे तो बहुत सारे नीडी लोग आपको दिख जाएंगे, तो मैं उनकी मदद जरूर करता हूँ। जब भी घर से बाहर जाता हूँ मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे रख के जाता हूँ एंड वहां पे लोगों के लिए उनको कुछ खाने को दिला दी, इस टाइप की चीजें मैं करता हूँ। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है? इंडिया फर्स्ट ओरल वैक्सीन फॉर मॉडरेट कोविड-19 केसेस, ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज थी। फेबी फ्लू इस मेडिसिन का नाम रहेगा। अगर अगर मॉडरेट या फिर उससे भी कम उसका बोलते हैं ना, देखो इसके ना लेवल होते हैं कि भाई साहब, एक तो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है कि कुछ हो ही ना सकते, कि आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि मर ही जाएंगे, ठीक है? लेकिन उससे अगर थोड़ा सा कम है, मॉडरेट लेवल है या उससे भी कम है, मॉडरेट से भी कम है, तो उसको ना क्योर करा जा सकता है। तो उसके लिए एक मेडिसिन भी आ गई अब तो, फेबी फ्लू नाम की। देखो है क्या ना, अब लगातार लगातार मेडिसिन आए जा रही है नई नई न्यूज़ में, ठीक है? आज के टाइम पे अपना आपने सुना होगा आयुर्वेदिक की भी आई थी, बट उस पर तो केस हो गया रामदेव बाबा पे, तो ठीक है कि यार ऐसा मतलब वो नहीं थी सक्सेसफुल। बट बात ये है कि ओवरऑल एक वो चल रही है, एक स्ट्रगल चल रही है, रिसर्च
एंड डेवलपमेंट पूरी तरह से जोरों शोरों पे है एंड बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि जल्दी ही ये सब चीज़ें प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी एंड तब तक के लिए हमें बस अपनी सिक्योरिटी बरतनी है, सेफ्टी बरतनी है, राइट। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये आपको फैबी फ्लू नाम याद रखना है, ठीक है, कि क्या नाम आया है, फैबी पिराविर या फैबी फ्लू, ये आपको नाम याद रखना है बिकॉज पहली आई है तो इंपॉर्टेंट है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आप सबको पता होगा कि इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत पीएम मोदी जी के कहने पे यूएन असेंबली ने माना एंड पूरा वर्ल्ड आज के टाइम पे 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करता है, ठीक है। 2014 में इंटरनेशनल योगा डे को अडॉप्ट करा गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, ठीक है, एंड ये प्रपोजल दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो इस बार की आपको थीम पता होनी चाहिए कि क्या है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये थीम है। थीम इज इंपॉर्टेंट, दिस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब है क्या, जब डे की बात आ रही है तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं लास्ट वीक के, मैं सबको इकट्ठा लिख दिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, बिकॉज इस दिन हमारे पीसी, प्रोफेसर पीसी महन बोलिस, जो कि फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स भी बोले जाते हैं, उनका बर्थडे होता है, दैट इज वाई ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे आपको पता होना चाहिए क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स कौन है, कब सेलिब्रेट करा जाता है, काइंड ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27 जून था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे। आप देखो आज के टाइम पे ना एमएसएमईज बहुत ज्यादा न्यूज में है। देखो है क्या, जो बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे नहीं चलती हैं, उनके पीछे पूरा एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। वो होते हैं छोटी छोटी फैक्ट्रियाज, जिनको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड नॉट नेसेसरली कि उनको सपोर्ट ही करे, ये इंडिविजुअल इंडस्ट्री भी हो सकती है जैसे फूड प्रोडक्ट्स की, इन सब की, ठीक है। तो काफी न्यूज में है बिकॉज भारत की इकोनॉमी बूस्ट करनी है तो हमें इनको बूस्ट करना ही होगा, तो दैट इज वाई इनको लोन वोन दे रहे हैं, बहुत न्यूज में है। तो 27 जून इनका डे होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 21 जून में बताया जाता, 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होता है, ठीक है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये रिस्पॉन्सिबल है समर एंड विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, पूरी एक नॉन गवर्नमेंटल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिस्को इसका हेडक्वार्टर भी रिसेंटली चेंज हुआ है, सो काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। आप इसको जरूर एक बार देख लें मैप में भी कि कहाँ पर है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ओलंपिक्स होने से, देखो अब तो ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गया लेकिन ठीक है, आप मुझे बता दीजिए 2020 के ओलंपिक होने कहाँ थे, फिर 2024 के कहाँ होने हैं, 2028 के कहाँ होने हैं, सबके ऊपर बता दिए। 2020 के जो अब तो 21 हो गया है, लेकिन फिर भी आप मुझे शहर का नाम बताइए कौन से शहर में होता है, राइट। जगन्नाथ यात्रा निकाली गई, तो इसमें पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, वन पॉइंट इज कि जगन्नाथ यात्रा कहाँ पे सेलिब्रेट करी जाती है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करी जाती है, ठीक है, तो आपको ये बस ये बात पता होनी चाहिए। तो जगन्नाथ यात्रा था अपना उड़ीसा का सीन है पूरा ये, इसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मिनिमम से मिनिमम लोग होने चाहिए, ये सेलिब्रेट हो भी चुकी है, इसमें बहुत ज्यादा मिनिमम लोग तो हमें दिखे नहीं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का तो उल्लंघन हुआ ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि सिर्फ जमातियों को ब्लेम करना ठीक नहीं है, मतलब हर धर्म में वही बातें हैं, जब धर्म सामने आता है तो बाकी चीजें भूल जाते हैं। जमातियों में नेगेटिव पॉइंट क्या रहा था कि उसमें काफी फेक भी थी एंड काफी रियलिटी भी थी, कि वहां पे उन्होंने कोशिश की थी दूसरे लोगों में फैलाने की, ठीक है, दैट इज वेरी रॉन्ग। लेकिन उनका जो मिलना था 1500 लोग मिले तो उसको लेकर बहुत क्रिटिसाइज करा गया कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हो आप, में दिमाग नहीं है क्या ये वो, बट फिर दिमाग तो फिर हम लोगों में भी नहीं है, ठीक है। चलो जो भी है, धर्म के आगे सब चीज छोटी पड़ जाती है। राज्यसभा के पोल्स, आपको पता है कि मैंने पिछले हफ्ते वाले उसमें कवर भी करा था कि राज्यसभा के पोल्स हुए हैं, 19 स्टेट्स में पोल्स हुए हैं, ठीक है, नहीं 19 सीट से पोल हुए हैं 11 स्टेट्स में, ठीक है। तो उसको लेकर उसकी मैंने वोटिंग भी बताई थी, ठीक है, कि ओपन बैलेट सिस्टम होता है। ओपन बैलेट सिस्टम में क्या होता है कि आपको दिखानी पड़ती है अपनी पार्टी के विप को, विप क्या होता है, जिसका काम होता है विप, विप ऑफ अ पार्टी। तो होता क्या है, विप का काम होता है कि उसको ना मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है पार्टी के अंदर, तो आप किसको वोट डाल रहे हैं आपको दिखाना पड़ेगा अपने विप को, ठीक है। तो एनसीपी ने एक नोटिस जारी कर दिया अपने एमएलए के खिलाफ, बिकॉज एमएलए ने मतलब दूसरी पार्टी को वोट दिया, ठीक है। तो पॉइंट इज, आपको एक तो इसमें यह जानना जरूरत है कि राज्यसभा की जो वोटिंग होती है दैट इज ओपन बैलेट, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो ओपन बैलेट मतलब दिखाना होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, दूसरा विप क्या होता है, इसका काम होता है डिसिप्लिन मेंटेन करना। देखो जब पूरी, जब किसी मुद्दे पे पार्टी को वोट करनी है तो पूरी पार्टी एक साथ होनी चाहिए, तो इसके लिए पोजीशन है विप, ठीक है। ये पूरी स्टेट, पूरी एक न्यूज थी जो पूरे हफ्ते बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया, मैंने भी अपने डेली करंट अफेयर्स में इसको पूरी डिटेल बताने की कोशिश करी, मैंने ये पर्टिकुलर फोटो लगाई बिकॉज इसमें हुआ क्या था, मोदी जी ने कहा, देखो मैं बताता हूँ, ये भी फोटो बताऊंगा, नहीं अच्छा इसी में, मोदी जी ने कहा कि ना चाइनीज, कोई भी चाइनीज इंडियन टेरिटरी में नहीं घुसा था, ठीक है। ये स्टेटमेंट बोलते ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग गए इन पे, कैसे,
अगर जब चाइनीज हमारी टेरिटरी में घुसे ही नहीं हैं, तो फिर इतना सारा मामला हुआ क्यों था? क्या हम उनकी टेरिटरी में घुसे थे? ठीक है, इसी स्टेटमेंट को पकड़ा चाइनीज गवर्नमेंट ने, चाइनीज गवर्नमेंट की मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा दिखाया अपने चैनल्स पे कि भाई साहब देखो, जब वहां का पीएम ही कह रहा है कि हम उनकी टेरिटरी में घुसे नहीं, तो इतना सभी मामला हुआ क्यों है? मतलब दैट मीन्स जहां पे अभी आज है वो गलवान वैली में, वो बिलोंग करती है चाइना से, ठीक है? एंड वहीं पे आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज ही राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई है। खैर राहुल गांधी छोड़ दो, लेकिन मतलब पॉइंट स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट कि लद्दाख में लोग कह रहे हैं कि भाई चाइनीज अंदर घुसे आए हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि चाइनीज अंदर नहीं घुसे हैं, तो कोई एक तो झूठ बोल रहा है, तो झूठ कौन बोल रहा है? तो पॉइंट एंड ऐसा नहीं है। एंड हुआ क्या है, मोदी जी ने बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो स्टेटमेंट आती है वो अलग आती है, ठीक है? तो इसको लेके बहुत ज्यादा घेरा गया इनको, मोदी जी को, कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है? एंड ये बात सच में गलत भी है। जो भी रियल सिचुएशन है, हमारे देश के लोगों को पता होना चाहिए, हमारी जनता को पता होना चाहिए, चाहे चाइनीज अंदर है नहीं है जो भी है, बट एक्चुअल सिनेरियो हमें पता होना चाहिए एज पर रिपोर्ट्स, एज पर आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर। ये बिल्कुल साफ है कि वहां पे चाइना ने अपनी आर्मी बढ़ा दी है, ठीक है? बहुत ज्यादा आर्मी आज के टाइम पे गलवान वैली में डिप्लॉयड है, एंड चाइना किसी भी तरह से पीछे तो नहीं हटा है, ठीक है? उन्होंने ज्यादा कब्जा कर लिया है। वो फिंगर फोर फिंगर टू का कॉन्सेप्ट ही मैंने आपको पिछले उसमें समझा दिया था। तो इसे मनमोहन सिंह जी ने बोला है, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता को सही इन्फॉर्मेशन जानने का पूरा पूरा हक है, ठीक है? एंड ये दोनों इधर हम बात कर रहे हैं कि भाई साहब हम सोल्व कर रहे हैं, चीजें सोल्व कर रहे हैं, बट गलवान वैली में ऐसा नहीं, मतलब आज के टाइम पे सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, दोनों तरफ बहुत ज्यादा आर्मी डिप्लॉयड है, तो कहाँ के चीजें सोल्व हो जाए, कहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं डिसंगेज करने की? वैसी बात नहीं है, बातें नहीं चल रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातें चल रही हैं, हो रही है कि भाई इंडिया चाइना के बीच में टेंशन कम होगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। त्रिपुरा गवर्नमेंट टू स्टार्ट प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, इसमें क्या होता है, ये जो एक कैंपेन होती है, स्कीम होती है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी गवर्नमेंट है जो प्ले लिटिल स्टडी लिटिल ये स्कीम लॉन्च कर रही है? इसका एक्चुअल नाम था एक तू खेलो एक तू पढ़ो, जिसका मतलब मीनिंग है प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, ठीक है? इसका इसका एम क्या है भाई, आज के टाइम पे जब स्कूल्स वगैरह सारे बंद है, ठीक है, और ये भी नहीं पता कब कब वो होना है, स्कूल खुलने हैं, तो स्टूडेंट्स को मतलब थोड़ा टाइम खेलने के लिए, थोड़ा टाइम पढ़ाई के लिए निकालना होगा, एंड इस चीज को लेके लोगों को अवेयर करने का काम ये स्कीम करती है, तो ये काम त्रिपुरा गवर्नमेंट का है, ठीक है? अंबुबेची मेला नहीं हुआ है, ये जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि अंबुबेची मेला नहीं हुआ। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अंबुबेची मेला होता कहाँ पे, बिकॉज सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो अंबुबेची मेला ये कामाख्या टेम्पल है गुवाहाटी में, कामाख्या टेम्पल है ये गुवाहाटी में, ये बेसिकली आप ऐसा सा कुछ होता है कि फर्टिलिटी सेलिब्रेट करी जाती है, ठीक है? गोडेस की फर्टिलिटी सेलिब्रेट करी जाती है, और भी बहुत सारे इस टाइप के इश्यूज है उसमें। बहुत ही जबरदस्त मेला लगता है, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख लोग इस मेले में हर साल विजिट करते हैं, ठीक है? लेकिन इस बार नहीं है, तो न्यूज में है। तो अंबुबेची मेला होता कहाँ पे, आपको ये पता होना चाहिए, गुवाहाटी असम, ठीक है जी? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, नाम से समझ में आ रहा है कि मैं डीकार्बोनाइजिंग करना है। डीकार्बोनाइजिंग का मतलब क्या, कि हम मिनिमम से मिनिमम जो है कार्बन इजेक्शन करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट करना होगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक पूरा प्रोजेक्ट है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, ये 24 जून को रिलीज मतलब लॉन्च करा गया। किसके साथ कोलेबरेशन करके, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इंडिया की तरफ से कौन वो कर रहा है काम, नीति आयोग काम कर रहा है। तो नीति आयोग न्यूज में रहा, इसके साथ ये प्रोजेक्ट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, ठीक है? तो ये पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा है, इंडिया के साथ साथ अर्जेंटीना, मोरक्को एंड अजरबैजान में ये काम चल रहा है, ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है, एंड सबको इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ये कर रही है। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम इज इंपॉर्टेंट, नीति आयोग कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ठीक है? तो ये हमें पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज क्या था, कि जब लॉकडाउन हुआ था तब फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च करा था कि भाई साहब जो भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो बेनिफिट क्या होगा वो, तो बेनिफिट 3 टाइप से दिया गया। पहला दिया गया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा सीधा अकाउंट में पैसे डाल दिए गए। कौन थे वो, जो जिनके जनधन अकाउंट थे ना, सीनियर सिटीजन थे, डिफरेंशियली एबल्ड लोग थे, विधवा विधवाएं थी, ठीक है? उन लोगों ने मिलके मतलब उन लोगों के अकाउंट में सीधे सीधे पैसे डाल दिए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके अलावा था जो पीएम किसान स्कीम के अंदर, आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत किसानों को पैसा मिलता है 2,000 रुपए, तो उसके थ्रू पैसा डाला गया। इसके अलावा कुछ गरीब फैमिलियों को
फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे गए, ठीक है, बीपीएल कार्ड होल्डर्स को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करे गए। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर बांटे गए उज्ज्वला योजना के अंदर। तो पॉइंट इज कि गरीब कल्याण योजना पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इसका क्या, इसमें क्या करा हम ये पता होना चाहिए, किस टाइम पे लगाया ये पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डेट नहीं कह रहा लेकिन सिचुएशन पता होनी चाहिए, कैसे कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छी मूव जापान द्वारा, देखो था क्या ना, जापान एंड चाइना के बीच में लगता है साउथ चाइना सी, तो वहां पे कुछ आइलैंड्स हैं जो मतलब मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं बिटवीन जापान एंड चाइना, तो वैसा ही एक आइलैंड था तो जिसको जैपनीज लोग ना सिनकाकू बोलते थे, ठीक है। तो इस आइलैंड में ऐसा कोई रहता नहीं है, अब जापान ने इसका नाम चेंज करके टोनोशिरो सिनकाकू कर दिया, ठीक है। इससे पहले क्या था, इसका नाम ऑफिशियली मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में टोनोशिरो हुआ करता था, लोकल लोग यहाँ को इसको सिनकाकू बोला करते थे, तो इसका नाम चेंज करके टोनोशिरो सिनकाकू कर दिया। देखो इससे होता क्या है, वैसे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा, इससे बात ये हुई है कि अब ये हो गया कि हाँ भाई चाइना चाइना ने क्लेम ना सॉरी जापान क्लेम कर रहा है दिस इज माइन आईलैंड, बात खत्म, ठीक है। तो अब इससे चाइना को बड़ी दिक्कत होगी, ऐसे कैसे आप नाम चेंज कर सकते हैं, आपका थोड़ी ना, ये तो कॉन्फ्लिक्ट इश्यू, ये तो हमारा है, फलाना ढिमकाना है, सब चीजें। तो सबसे पहली बात तो ये आइलैंड आया कहाँ से, ये ना आपको पता है जब सीनो जापानीज वॉर हुई थी तब तो जापान जीत गया, जापान ने बहुत सारे एरियाज पे कब्जा कर लिया था चाइना के, बाद में फिर जापान को हरा दिया वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। तब जो जापान के जितनी भी टेरिटरीज थी उन सब पे कब्जा किसका हो गया यूएसए का। तो यूएसए ने जब सारी चीजें वापस जापान को लौटाई तो ये वाला एक आइलैंड था ये भी इनको लौटा दिया। अब चाइनीज ने कहा ये तो इन्होंने कॉलोनाइज करा था भाई हमसे, तो हमारा हमें वापस मिलना चाहिए, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस में हमें वापस मिलना चाहिए, तो इस वजह से चल रहा है, वहां कोई रहता वहता नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे जमीन का 1 इंच भी चला जाना अपनी इज्जत पे ठेस है, तो ये वाला सारा इशू हुआ है, मतलब मौके का फायदा उठाते हुए जापान ने ऐसा कर दिया है भाई। ये बाइडू सैटेलाइट सिस्टम, जैसे आपको पता है हम जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस किसका है, जीपीएस है यूएसए का, तो ऐसे चाइना ने अपना खुद का सिस्टम डेवलप कर दिया है बाइडू, ठीक है जी। तो और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसको यूज कर रही हैं, आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी कंट्रीज इसको यूज करने वाली हैं, ठीक है। बाइडू इज मतलब चाइनीज जीपीएस, ठीक है, जैसे पाकिस्तान यूज करेगा आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी कंट्रीज यूज करेंगी, ऐसे ही रशिया का ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, इंडिया भी ऐसा करना चाह रहा है इसरो की हेल्प से, नाविक जिसमें ऑलरेडी हम 7 सैटेलाइट भेज चुके हैं, आने वाले टाइम में हम खुद का अपना वो सिस्टम बना लेंगे, अभी के लिए हमारा इसका पर्पज है मिलिट्री पर्पज के लिए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन चाइना का जो बाइडू है इसमें तो 55वीं सैटेलाइट भेज दी है, ये प्रोजेक्ट इन्हें खत्म हो गया, मतलब अब ये फुल फ्लेज तैयार है अपना खुद का सिस्टम के लिए। समझ में आ गई बात, क्या याद रखना है कि किसका है बाइडू, बाइडू किसका है, और फिर ग्लोनास और गैलीलियो आप किसका है, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चाइना ने बोल दिया है कि ठीक है वो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी ज्वाइन कर लेगा, बेसिकली व्हाट इज दिस आपको पता होना चाहिए, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी क्या है, क्या इंडिया इसका मेंबर है, ये दो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी जिसको जो कंट्री साइन करता है उस कंट्री को अपनी सारी डिटेल्स देनी होती है कि वो किस कंट्री को कितने कितने हथियार सप्लाई कर रहा है, किससे कितने खरीद रहा है, ठीक है। अब चाइना ने जानबूझ के ज्वाइन कर लिया दिखाते हुए कि भाई साहब देखो मैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन चाइना बहुत कम खरीदता है, खुद ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है। वहीं पे इंडिया, अब इंडिया के बॉर्डर इश्यूज बहुत अलग है, इंडिया को तो यार थोड़ा सा खरीदते रहना पड़ेगा, इंडिया नहीं खरीदेगा तो कल को पाकिस्तान चाइना जैसे लोग दुखी करेंगे, तो इंडिया खरीदता है तो अब उसको सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा कि मैं किससे कितना खरीद रहा हूँ, तो इंडिया इसलिए मेंबर नहीं है, यूएससी इसलिए नहीं है बिकॉज पूरे वर्ल्ड को हथियार सप्लाई यूएसए कर रहा है, अगर यूएसए का पता लग गया कि ये लड़ाई तो वही करवा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट इज बहुत सारे कंट्रीज आज के टाइम पे इसके मेंबर नहीं है, चाइना ने बोला कि मैं मेंबर बन रहा हूँ इसका, कि देखो मैं तो कितना अच्छा हूँ, ये वाली मतलब अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करना चाह रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कैंपेन लॉन्च करी है इंदिरा रसोई योजना, इस योजना के तहत क्या होगा कि जितने भी गरीब लोग हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको दिन में 2 बार मतलब न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा सस्ते रेटों पे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, इंदिरा रसोई योजना कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी, कौन सी स्टेट ने स्टार्ट करी, तो राजस्थान ने स्टार्ट करी है। अगर आप थोड़ी सी न्यूज वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दो चैनल हुआ करते थे, आपको पता है लोकसभा राज्यसभा अपने दो हाउस है, तो उनके हाउस की प्रोसीडिंग्स भी दिखाता है ये जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, उसके अलावा नॉर्मल एज जैसे यूजुअल न्यूज चैनल्स होते हैं वैसे काम करता है। तो अब इनको मर्ज करने की बात हो रही है एंड इन दोनों को मर्ज करके एक नया चैनल बनेगा, दैट इज नोन एज सनसेट टीवी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोनों को मर्ज करके जो टीवी का नाम जो नया चैनल बनेगा उसका नाम क्या होगा, सनसेट टीवी होगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। ये सजेशन कौन दे रही है, सूर्य प्रकाश कमेटी है।
ये कमेटी के हेड का नाम भी पता होना चाहिए, सूर्य प्रकाश कमेटी ने सजेशन दिया है ये। मैंने आपको बताया था, ये बस न्यूज़ इसलिए है कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इश्यूज बहुत ज़्यादा मतलब वर्स हो चुके हैं, इतने वर्स है कि इन्होंने आपस की ना डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो होती है, जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पे है, इंडिया की एम्बेसी वहाँ पे है, तो इंडिया की जो वहाँ पाकिस्तान में एम्बेसी है वहाँ पे 50% स्ट्रेंथ कर दी है अपने अपनी इंडियंस की, मतलब दैट मीन्स हम डिप्लोमेटिकली बहुत कम एंगेज होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जो सार्क आज के टाइम पे डेड इसलिए पड़ा हुआ बिकॉज वहां पे पाकिस्तान और इंडिया कुछ भी ऐसा कुछ कहीं भी एंगेज होना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे उनके उनके एफर्ट्स की वजह से इंडिया पाकिस्तान दोबारा से मतलब एक उस पर आ पाए थे, मतलब दोबारा से चीजें नॉर्मल हो पाई थी आफ्टर कारगिल, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन होती हुई दिख नहीं रही है। बस छोटी सी मैंने हाईलाइट डाल दिया, ऐसा कुछ कम इंपोर्टेंट है वो। ठीक है, अफगानिस्तान ने यूएसए पे वो करा, केस करा, एंड यूएसए के अब ट्रायल चलेंगे किसमें, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड क्यों करा अफगानिस्तान ने। आपको पता है कि अफगानिस्तान में यूएसए आर्मी डिप्लॉयड है, वहां पे बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज परफॉर्म करने के ब्लेम उन पे लगे हैं कि भाई यार वो बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज परफॉर्म करते हैं, गलत करते हैं, इनफैक्ट रेप तक के ब्लेम लगे हैं, तो दैट इज वाई इनको घसीटा गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। लेकिन पहली बात तो यूएसए इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है। जो भी इनका मेंबर बनता है उनको रोम स्टेच्यू साइन करना पड़ता है। ये क्या होता है, जो बंदा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर बन गया तो उसको अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में कुछ इनके हिसाब से चेंजेस करने होंगे, मतलब कि जो ये चाहेंगे उसी हिसाब से आपको मतलब सजा वजाए सुनाई सुनानी होगी, मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। जबकि इंडिया की सिचुएशन ऐसी है, इंडिया मेंबर बन जाएगा तो मतलब तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले पता नहीं कौन कौन आग खड़े हो जाएंगे कि आप ये नहीं कर सकते, इसको ये सजा नहीं दे सकते, इसको ये सजा नहीं दे सकते। एंड इंडिया में तो यार बॉर्डर इश्यूज बहुत ज्यादा खतरनाक है, टेररिज्म बहुत ही अलग लेवल पे है, नहीं मान सकते वो चीजें। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसी ही बातें हैं। ठीक है, तो इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है, लेकिन हम आईसीजे के मेंबर है, व्हाट इज दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये दोनों की दोनों कहां पर है, द हेग में है। द हेग कहां पर है, नीदरलैंड में है, इसलिए द हेग को जस्टिस सिटी भी बोला जाता है। ठीक है, इसका इंडिया मेंबर है। इनफैक्ट इसमें टोटल 9 जजेस होते हैं, ठीक है, नहीं टोटल 15 जजेस होते हैं 9 साल के टाइम पीरियड के लिए। इंडिया का एक जज भी है, इंडिया का जज भी है जिसका नाम है दलवीर भंडारी। ये 2019 NDA 1 का पेपर है, आई मीन क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया भाई। आपको पता है ओबीसी को 27% कोटा मिलता है। अब हो क्या रहा है कि कुछ जातियों को तो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और कुछ जातियां इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रही है। ठीक है, तो अब क्या करा गया है कि ओबीसी की क्लासिफिकेशन करी जाएगी, ओबीसी की भी क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, कुछ जातियों को ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, कुछ जातियों को कम बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे मान लो कुछ 10 जातियां उठाई, इनको टाइप ए में डाल दिया, कुछ 10 उठाई इनको टाइप बी में डाल दिया, तो जो इन इनके लिए 9% है, इनके लिए 9% है, ऐसी ऐसी चीजें करी जाएंगी। ठीक है, बाइफर्केशन करा जाएगा ओबीसी का। तो इसके लिए काम चल रहा है। आपको क्या याद रखना है कि इस कमेटी को हेड कौन कर रहा है, इस कमेटी को दिल्ली के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है जी रोहिणी साहब, वो हेड कर रहे हैं, तो आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। FATF क्या है, FATF का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये देखता है कोई भी कंट्री ऐसा तो नहीं कर रही कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, जो वो ट्रेड कर रही है ट्रेड से जो सरकार को फायदा हो रहा है उस पैसे को टेररिस्ट को स्पॉन्सर कर रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करेगी, तो अपने इसको ब्लैक लिस्ट में डाल देगी, लेकिन ब्लैक लिस्ट से पहले वो वार्निंग सिस्टम मान लो कि जैसे ग्रे लिस्ट। ठीक है, तो आज के टाइम पे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में, इंडिया चाहता है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इनसे ट्रेड करने से बचेंगी, बिकॉज ट्रेड करने से बचेंगी क्योंकि ये तो अपना सारा पैसा टेररिज्म को दे रहे हैं, तो वर्ल्ड की इमेज खराब होती है, ट्रेड नहीं करेंगी कंट्रीज इसके साथ। ठीक है, तो FATF के आज के टाइम पे 39 मेंबर्स है, इंडिया भी इसका मेंबर है, हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। तो आपके 2-3 फैक्ट्स याद होने चाहिए इसके बारे में। एक रिपोर्ट आई थी यूनेस्को की जिसने कहा था बिकॉज ऑफ कोविड एजुकेशन गैप जो है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, मतलब पहले कुछ बच्चों को मतलब हम स्कूल में भेजा करते थे, ठीक है, गरीब बच्चों के लिए मतलब वही सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था। आज के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन कर तो रहे हैं, बट हर बच्चे के पास ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो इसके चलते सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हो रहा है, जो गरीब बच्चा है वो इफेक्ट हो रहा है, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बंदा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, घर पे क्लासेस चलने लग गई है, ऑनलाइन क्लासेस चलने लग गई है, सबने अपनी एप्स बना ली है, सब चीजें चल रही है,
लेकिन ऐसे इनके साथ नहीं हो पा रहा है। तो जो एजुकेशन गैप था ये और ज्यादा वाइड हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। लेकिन हमने मैंने यहाँ पकड़ा यूनेस्को को, थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में जान लो। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जिसका काम है पूरे वर्ल्ड में कोऑपरेशन करना, मतलब अलग अलग कंट्रीज के बीच में एजुकेशन के मुद्दे पे, साइंस के मुद्दे पे, कल्चर के मुद्दे पे, ठीक है, इन सारे मुद्दे पे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में लोकेटेड है। सो काइंड ऑफ ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काम क्या है, सब बता दिया मैंने। इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी 4.5% से, ठीक है, ये आईएमएफ ने बोला। तो मैंने इसमें अगेन आईएमएफ को पकड़ा है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन पे। काम क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पूरे वर्ल्ड में, एक जो अपना वो है इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे, ये इच्छा होती है आईएमएफ की, ठीक है, मतलब कोऑपरेशन। देखो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है कि पॉवर्टी से रिलीफ दिलाना, कंट्रीज को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना कि वो थोड़ा गरीबी से निकल पाए। आईएमएफ क्या करता है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक बैलेंस बना रहे, इकोनॉमी में कुछ दिक्कत ना है, ठीक है। दो अलग अलग काम है, दोनों इंटरलिंक है। जो किसी कंट्री को अगर वर्ल्ड बैंक का पार्ट बनना है तो उसको पहले आईएमएफ का पार्ट बनना पड़ेगा। ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, उसके बाद ये दो इंस्टीट्यूशन बन के आए थे इन स्पेस, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है अपना, मैं दोबारा आपको इसमें बताता हूँ। इसको पहले फुल फॉर्म देख लो, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब आपको पता है स्पेस एक्स जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है अपना इलन मस्क की, उन्होंने नासा के दो साइंटिस्ट को ऊपर वहां भेज दिया, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इससे हुआ क्या, प्राइवेटाइजेशन हो रही है स्पेस की। अब प्राइवेटाइजेशन हो रही है स्पेस एजेंसी की, इससे नासा को बहुत फायदा हुआ बिकॉज उनको सस्ते में काम पड़ गया। पहले वो सेम काम रशिया से कराते थे, वो सेम काम अपने प्राइवेट एजेंसी से कराएंगे, बहुत सस्ते में कराएंगे। तो इसको देखते हुए स्पेस में प्राइवेटाइजेशन की को बढ़ावा देने के लिए ये वो उठाया गया है। ये इन स्पेस जो होगा ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। ये क्या करेगी, ये कुछ ऐसी मतलब वो पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेगी जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट करा जा सके या फिर उनको अलग अलग जगह पर उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई जा सके स्पेस के किसी किसी सेक्टर में, ठीक है। तो मतलब इन स्पेस कुछ नहीं, बस इतना सा काम कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कुछ काम करेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है कि भाई साहब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ काम करेगी, तो वो इन स्पेस है, ठीक है। ये होगा क्या, ये अपना इसरो के अंडर ही काम करेगा, ठीक है, ये जो पूरा होगा इसरो, लेकिन इसका अलग से चेयरपर्सन होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, मतलब वो सारी चीजें होंगी अलग से, ठीक है जी। लेकिन ऑब्वियसली इसरो के गाइडेंस में काम करेगा। आरसीपी मेंबर चाहते हैं कि इंडिया दोबारा से इस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर ले। तो बस व्हाट एग्जैक्टली इज आरसीपी? आसियान के 10 मेंबर्स हैं। आसियान स्टैंड फॉर एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो अपने ये नहीं है इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई, ठीक है, थाईलैंड, इन सब ने मिलके अपने ये एक वो बना रखे, सिंगापुर, फिलीपींस, इनको बोलते हैं आसियान कंट्रीज। इनके ना 6 मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है, 6 मेजर कंट्रीज से ट्रेड करते हैं, जिसमें आता है इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड चाइना। तो इन्होंने कहा देखो 10 हम हो गए, 6 आप हो गए, हम मिलके क्या करते हैं ना, एक कॉमन वो बना लेते हैं प्लेटफॉर्म, जहां पे जैसे हमने 10 आसियान कंट्रीज ने आपस में कर रखा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हम फ्रीली कर सकते हैं, कोई कोई बैरियर नहीं है। ऐसे ही हम 10 नहीं, हम 16 कंट्रीज कर लेते हैं मिलके। अब इसको इसमें इंडिया को दिक्कत थी बिकॉज इसमें था चाइना। चाइना जो पहले ही हमें बहुत दुखी रखता है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक्स एंड मतलब डंपिंग वंपिंग, सस्ते प्रोडक्ट इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को उठने नहीं देता, उसके चलते इंडिया ने बोला मैं इसका मेंबर नहीं बनूंगा बिकॉज चाइना मेंबर है, या फिर आप कुछ ऐसे मेरी बातें मानो, ठीक है, लेकिन वो बात मान नहीं पाए। तो अल्टीमेटली इंडिया ने बोला मैं पार्ट नहीं बन रहा। तो आज के टाइम पे इसके 15 मेंबर है, बट ये उम्मीद कर रहे हैं कि यार इंडिया भी बन जाए बिकॉज इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है यार, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, ठीक है। एचआरडी मिनिस्ट्री ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म यूज लॉन्च करा है। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस 2.0? देखो युक्ति क्या है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हैं कि उनके आइडियाज को कोई सुन सके, बेसिकली इन्वेस्टर सुन सके, आज के टाइम की सिचुएशन को देखते हुए कि उनके कुछ आइडियाज हो जिनको जिन पे इन्वेस्ट करने वाला कोई बंदा हो, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दिया जहाँ पे कुछ ये अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यूथ अपने आइडियाज पिच करेंगे, यहाँ से इन्वेस्टर को पसंद आएंगे तो उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म ये है। रशिया, इंडिया, चाइना, देखो ये ट्राइलेटरल मीटिंग थी, ऑब्वियसली डिजिटली हुई है, ये हुई। इसमें रशिया ने बोला कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि इंडिया जो है यूएन का परमानेंट मेंबर बने। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट के लेके मैं आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका था कि भाई साहब इसको लेके इंडिया मतलब इंडिया को होना चाहिए आइडियली, लेकिन इंडिया है नहीं आज के समय पे, P5 कंट्रीज है, ठीक है। और ये ऑफर पहले इंडिया के पास आए थे, इंडिया ने चाइना को दे दिया और आज चाइना ही रोड़ा बना हुआ है
इंडिया के परमानेंट सीट के पीछे, चलो जो भी है, बट RIC ठीक है, रशियन इंडिया, रशिया इंडिया चाइना, ठीक है, ये ट्राइलेटरल मीटिंग होती है, हर साल होती है। रिलायंस जियो ने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ वो पैक्ट साइन करा है कि वो क्या करेंगे, कुछ चैनल्स को ना फ्री में चलाएंगे ताकि लोगों को, बच्चों को एजुकेशन मिल सके, ठीक है। तो एडुसेट के 4 चैनल वो फ्री वो कोर्स चलेंगे, इसको लेकर 5 मिलियन मतलब 5 मिलियन स्कूल चिल्ड्रंस को फायदा होने वाला है। तो रिलायंस जियो एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने ये वो कराया कि भाई अब कुछ चैनल्स हम फ्री में चलाएंगे ताकि बच्चों के एजुकेशन में कुछ मतलब कुछ हैम्पर ना हो, वो चलती रहे जी प्लीज। वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया लॉन्च हुई लॉस एंजलिस में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी है आउटसाइड इंडिया, इंडिया में तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इंडिया में तो स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान ये पहली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। लेकिन जो इसी के ही चांसलर थे डॉक्टर HR नागेंद्र, वही अब इनके चेयरमैन बनेंगे, किसके, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी का। तो विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी नाम है, कहाँ पर है, लॉस एंजलिस में है, वर्ल्ड की पहली पहली आउटसाइड इंडिया योगा यूनिवर्सिटी है। चाइना की कंपनी ने एक साइन करा है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कि वो क्या करेंगे, वो एक डैम बनाएंगे आजाद कश्मीर में, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस आजाद कश्मीर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, झेलम रिवर पे। तो पहली बात तो आपको झेलम रिवर कहाँ पर ये पता होना चाहिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं, देखो ये जो येलो वाला पोर्शन है, दिस इज जो कश्मीर हमारे पास है, ये जो लाइट ब्लू है एंड जो ग्रीन है, ये वाला पोर्शन जो है पाकिस्तान के पास है। इसके भी दो पार्ट हैं, दिस इज गिलगित बल्तिस्तान, दिस इज आजाद कश्मीर। इन दोनों में अलग ही अपनी गवर्नेंस चलती है, इनका खुद का प्राइम मिनिस्टर भी होता है, ठीक है। मतलब पाकिस्तान के अंडर है, बट बहुत ज्यादा पाकिस्तान की यहाँ पे अथॉरिटी है नहीं, आर्मी के अलावा और किसी चीज पे अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान की। चलो जो भी है, तो पॉइंट इज ये जो डैम है, ये CPEC के, पहली बात तो आजाद कश्मीर के आजाद कश्मीर से निकल रहा है ये, ठीक है, आजाद कश्मीर से निकल रहा है तो हमें दिक्कत होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा CPEC के अंडर है। CPEC इज व्हाट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान चाइना क्या कर रहा है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है ताकि मेरे और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड ईजी हो सके, समझ पा रहे हो, ठीक है। ये ऐसे हमें क्या दिक्कत है, ये POK से निकल रहा है, हमें दिक्कत यह है कि POK से निकल रहा है। तो मतलब वो एक कॉन्फ्लिक्ट टेरिटरी है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ रही हैं उस चीज़ को लेके, उसके बीच में से चाइना ऐसा रोड बना देगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देगा, तो मतलब ये तो गलत बात है ना। इंडिया की मतलब एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना ने मान लिया कि ये पाकिस्तान का है, तो हमारे लिए गलत बात है, लेकिन चलो ठीक है, इस पर चल रही है, इंडिया अपोज करेगा इसको। संकल्प पर्व, प्राइम मिनिस्टर जी के कहने पे मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने ये लॉन्च करा संकल्प पर्व। तो आपको पता है संकल्प पर्व है क्या, संकल्प पर्व है कि 2 वीक लॉन्ग प्लांटेशन कैंपेन है। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज संकल्प पर्व, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। नासा ने अपना हेडक्वार्टर का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम के ऊपर रख दिया। ये बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल मूव है, आपको आज के टाइम पे पता है वहां पे व्हाइट और ब्लैक को लेके पंगे चल रहे हैं, है ना। तो ये कौन थी, ये फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर थी नासा की। सो उनके नाम पर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर का नाम चेंज कर दिया। तो काइंड ऑफ की मतलब ये दिखाने के लिए नहीं है जी, हमारे लिए ब्लैक लाइफ मैटर करती है, वहां पे चल रही है ना चीजें, उस लिए कराई, ठीक है। विनी महाजन पंजाब की पहली चीफ सेक्रेटरी बनी है, मतलब पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। तो आप पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है, विनी महाजन पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब है। के संजीता चानू जो कि एक वेट लिफ्टर है, उनको डोपिंग चार्जेस से रिलीफ दे दिया गया, मतलब क्लियर हो गया कि उनके कोई डोपिंग ओपिंग कुछ सीन नहीं था उनका, ठीक है। अब उनका अर्जुन अवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो आपको पता नहीं, क्वेश्चन आ जाता है के संजीता चानू वॉज इन न्यूज, शी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। प्रधानमंत्री ने लॉन्च करा है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ठीक है। आपको पता है आत्मनिर्भर भारत की ये सारी बातें रखी गई थी, आत्मनिर्भर भारत की बातें रखी गई हैं। तो यार अब आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर स्टेट्स की बात आने लगी है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर स्टेट्स में उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा कि भाई हम ना, जो आपको पता है जो माइग्रेंट्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार ये दो सबसे बड़े स्टेट्स होते हैं जहाँ से आते हैं, ये तीसरे पे बंगाल भी आ जाता है। तो इन्होंने बोला कि हम अब ऐसी यहीं पे ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगे कि वहां पे हमारे लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। सो दैट इज वाई उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा है उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, कि हम यहीं पे अब वो दिलाएंगे, अब यहीं पे हम रोजगार दिलाएंगे लोगों को, ठीक है। तो इसको लॉन्च करा PM मोदी जी। तो भाई ये था अपनी जून की समरी का पार्ट 3,
ऐसे ही मैं हर वीक की समरी लाता रहूंगा। ये समरी आने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, चीजें चलती रहेंगी इसी तरीके से, बढ़िया तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। जून मतलब करंट अफेयर की टेंशन आप मत लो, डेली करंट अफेयर आप मुझसे पढ़ ही रहे हो अन अकेडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे, और मैं ऐसे समरीज देता रहूंगा। पुराने करंट अफेयर की सीरीज ऑलरेडी मैंने चला रखी है, तो करंट अफेयर की ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें हो जाएंगी, बढ़िया तरीके से हो जाएंगी, भरोसा रखो। लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मिलेगा। आप इस YouTube चैनल की फैमिली को थोड़ा सा बढ़ावा दो, अपने यारों दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने को, शेयर करने को, लाइक करो, कमेंट्स करो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।